क्लास टेंथ। हिस्ट्री का चैप्टर है फोर्थ, थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इसको आप ना नोट्स को ना लिख लेना, पिछले वीडियो में मैंने भेज दिए थे सारा कंप्लीट चैप्टर। इस वीडियो के अंदर अपन है ना चैप्टर फोर लेंगे, हिस्ट्री का ही चल रहा है रेगुलर एक तरफ से ही। इसमें है ना जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है आपका कि रीजन्स ऑफ द नेशनल इन यूरोप, तो ये जो राष्ट्रवाद का यूरोप के अंदर जो कारण है इसको बोर्ड ने है ना इस बार हटा दिया है, अब जो इसलिए इसको तो अपन पढ़ेंगे नहीं। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, ये है ना आपका है, तो अपन है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इस औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया है कि ये मानव की सभ्यता की जब शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी के अंदर, तो पूरी जो एक्टिविटी संपूर्ण जो क्रियाकलाप थे वो पूरे संसार के अंदर टूल्सों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, मतलब औजारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और ये जो ऑपरेट किए गए थे ये हाथों से ही है ना ऑपरेट किए, मतलब टूल जो है ना वो हाथों से ही चलाए जाते थे। मानव ने नए संसाधनों, ऊर्जा के नए संसाधनों का आविष्कार किया और इसका परिणाम ये हुआ कि लिमिटेड पावर्स ऑफ देयर वर्किंग कैपेसिटी, कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी वो है ना सीमित थी, मतलब सीमित ही है ना वो कार्य कर पाते थे। स्टीम पावर है, इलेक्ट्रिक कंबुशन से हैं, गैस एंड वेरियस अदर एरियाज हैं, तो जो स्टीम पावर है, विद्युत के जो उपकरण हैं और ये जो दूसरे जो और एरिया क्षेत्रों के अंदर जो सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस या उन्नति के जो कारण हैं, ये इसका परिणाम ये हुआ कि एक ऑटोमेटिक एनर्जी, मतलब ऑटोमेटिक एनर्जी का है ना इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, और ये सारे संसार के अंदर भारत ही एक ऐसा देश था कि जहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, मतलब लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, और जहाँ क्वालिटी स्टील और है ना स्टील के अंदर है ना एक गुणवत्ता थी वो है ना प्रोड्यूस की गई, मतलब बढ़िया क्वालिटी की जो स्टील है ना लोहे से बनी हुई वो यहीं पर है ना इंडिया के अंदर है ना उत्पादित की गई। इसके अंदर आयरन फर्नेस, जो लोहे की भट्टियाँ, लोह भट्टियाँ थी प्राचीन काल के अंदर, उनका उपयोग करते हुए। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अपन देते हैं तो एक आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो आयरन पिलर है लोह स्तंभ, वो आज भी विदाउट गेटिंग रस्टेड, बिना धूल और काई जमे, मतलब उसके धूल या जंग या काई वगैरह कुछ भी है ना उसके ऊपर, विदाउट गेटिंग रस्टेड, मतलब बिना नष्ट किए हुए ना आज भी स्थित है। तो इस बात का है ना सबसे बढ़िया उदाहरण है कि दिल्ली का जो आयरन लोह स्तंभ है ना उसके ऊपर आज भी, इतने साल हो गए, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी उसके ऊपर ना जंग नहीं लगा है, तो ये लोहे की उच्च क्वालिटी को है ना दिखाता है, शो करता है। वेराइटीज ऑफ सीड्स, और बीजों की जो वेराइटीज हैं, बीजों के जो किस्म हैं कृषि के अंदर, स्वैपिंग एंड मिक्सड फार्मिंग इज़ द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के उपहार है, मतलब मिक्सड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि है ना एक साथ हम ना कई फसलों को उगा लेते हैं और उनकी है ना खेती ये कर लेते हैं, तो ये मिक्सड फार्मिंग है ना ये भी भारत की एक विशेषता है। इसके संदर्भ में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और पुलों और ना बांधों का जो निर्माण है वो भारत के अंदर, उसने भी एक शानदार रोल निभाया है इन गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंडस्ट्रीज को जन्म देने में। गाइडेंस टू द एंटायर वर्ल्ड, और संपूर्ण जो संसार है उसका मार्गदर्शन किया है। हजारों साल पहले राम सेतु, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में ना राम सेतु नाम का है ना पुल बनाया गया था, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो मेथड था, वो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन किया है। 19वीं शताब्दी से पहले एग्रीकल्चर का जो एक्सीलेंट सेटअप, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार का और वाणिज्य का जो भारत में है ना उपस्थित था वो है ना देखने लायक था 19वीं शताब्दी से पहले, यहाँ एक सिस्टम है ना वो बहुत ही अच्छा था हर चीज़ का। वाइल थाउजेंड्स ऑफ सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, जबकि है ना हजारों जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने भी न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में नए नए एक्सपेरिमेंट है ना हमारे देश की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने किए थे। अब आता है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि औद्योगिक क्रांति का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। इसे समझने के लिए हम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक जो क्रांति थी वो उन
परिवर्तन हो गए, जो आधारभूत परिवर्तन थे उसका परिणाम थे कि प्रोडक्शन सिस्टम, जो उत्पादन का जो सिस्टम था, लोग जिसके अंदर एक विशाल मात्रा में जो उद्योग थे उनमें कार्य करने के अवसर को इन्हें प्राप्त किया करते, और मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन यातायात का जो है ना आधुनिक जो साधन था उसका उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल फार्मिंग और है ना एक परंपरागत है ना जो फार्मिंग की व्यवस्था का भी है ना उपयोग करते हुए बिजनेस व्यापार वर्किंग इन कॉटेज इंडस्ट्रीज और है ना कॉटेज लघु उद्योगों के अंदर है ना काम करते हुए। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, संसार की जो औद्योगिक क्रांति थी वो यूरोपियन स्कॉलर्स, जो यूरोपियन विद्वान थे जिनका नाम था जर्जीज मिसले, तो जर्जीज मिसले नाम का जो फ्रांस के थे और कैड्रिक एंगम ऑफ जर्मनी, और जो कैड्रिक एंगम जो थे वो जर्मनी के थे, आर्नोल्ड टॉयनबी नाम के व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, कि औद्योगिक क्रांति पर जो लेक्चर्स हुए थे, भाषण हुए थे, उसमें ये क्लैरिफाइड किया गया था, ये है ना बताया गया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज नॉट ए सडन इवेंट, कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो एक अचानक की घटना नहीं है, ये तो रादर इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो एक लगातार है ना प्रोसेस है ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मतलब विकास का है ना ये सतत प्रयास है, लोगों ने जब विकास का ये सतत प्रयास किया है तो उसकी एक घटना है, ये कोई अचानक घटना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, इतिहासकारों के अनुसार कि GW साउथेज जो उसने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ए चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कि जो औद्योगिक क्रांति वो औद्योगिक प्रोसेस के अंदर एक परिवर्तन था जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट वाज रिप्लेस्ड, कि जो हाथों से काम किया जाने वाला जो उद्योग था उसके स्थान पर मैकेनिकल टूल्स का प्रयोग कर दिया गया था, मतलब मशीनों का है ना मशीनों का युग है ना वो स्टार्ट हो गया था हाथों के से काम करने की बजाय, विच वर ऑपरेटेड बाय पावर, और ये मशीन ये पावर से ऑपरेट की जाती थी, अर्थात है ना इसमें है ना शक्ति लगती थी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे कोई एटमिक है ना एनर्जी हुआ करती थी। इस प्रकार ये जो परिवर्तन था इसने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एक औद्योगिक व्यवस्था को जन्म दिया, और कॉटेज इंडस्ट्रीज के स्थान पर ये जो कार्य है ना वो फैक्ट्रीज के अंदर शुरू किया गया, जो लोग जो कॉटेज इंडस्ट्रीज घरों में काम किया करते थे अपने अपने लघु उद्योग के रूप में, ये काम अब है ना फैक्ट्रीज के अंदर है ना होना शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन के अनुसार जो सीडी हाजोन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द मैकेनाइजेशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्रांति ये लघु उद्योग के मशीनीकरण को प्रस्तुत करता है, इसके हिसाब से जो डिवीज था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब डिवीज नाम का एक विद्वान था उसने कहा था कि जो औद्योगिक क्रांति है ये दो चेंजेस वे परिवर्तन विच हैड मेड इट पॉसिबल, जिन परिवर्तन ने यह संभव कर दिया था आदमी के लिए टू लीव द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो परंपरागत तरीका था उसको छोड़ने के ना संभव बना दिया था, मतलब परंपरागत तरीके से प्राचीन काल से जो है ना सिस्टम को जो काम में लेते थे उसको ना आदमी ने छोड़ करके इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर मशीनों का है ना युग शुरू हो गया था, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज, और इस प्रकार है ना कारखानों के अंदर उत्पादन को है ना वस्तुओं का उत्पादन वो शुरू हो गया था ऑन ए लार्ज स्केल, एक विशाल पैमाने पर। अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस, तो साइंस का जो पार्ट 8 है साइंस का, उसके अंदर जो एनसाइक्लोपीडिया है उसके अनुसार कि इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, आर्थिक और तकनीकी का जो विकास है विच हैड बिकम मोर पावरफुल, ये है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, एंड रैपिड इन 18th century और 18वीं शताब्दी के अंदर थ्रू विच द मॉडर्न एंटरप्रीनरशिप वाज बॉर्न, तो आधुनिक शताब्दी के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन की जो प्रक्रिया है ना वो शुरू हो गई थी उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, और इसको है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से पुकारा गया।
अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, ये बताती है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा आर्थिक ढांचा विच एंटर्स इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि आधुनिक औद्योगिक खंड के अंदर है ना प्रवेश करता है आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेज ऑफ द ट्रेडिशनरी, अर्थात परंपरागत स्टेज से बाहर निकल करके, मतलब है ना परंपरागत जो है ना प्राचीन काल की जो कार्य प्रणाली थी उसको है ना छोड़ करके एक नई प्रणाली के अंदर है ना ये प्रवेश करता है लो प्रोडक्शन, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जब वो ट्रेडिशनली था इसमें कम उत्पादन था और डेवलपमेंट कम विकास था, तो उसको छोड़ करके तेजी से विकास और हाई प्रोडक्शन है ना के रूप में परिवर्तित होता है। वेयर एज इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इस औद्योगिक क्रांति के कारण ये प्रोडक्शन लाइफ स्टाइल उत्पादन जीवन पद्धति पर कैपिटा इनकम ये इंक्रीजेज होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जीवन पद्धति बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, एंड प्रोडक्शन रेट और जो उत्पादन की जो दर है वो कीप्स इंक्रीजिंग इटर्नली, तो ये आपको है ना इटर्नली में वृद्धि करती है, आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करती है, विच इन टर्न एज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, और इसका एक शानदार प्रभाव पड़ता है ऑन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष पर, सोसाइटी समाज पर, एंड द स्टेट और राज्य या देश पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि चेंजेज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, के औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या परिवर्तन हुए वो देखिए, कि जो प्रोडक्शन पहला जो परिवर्तन हुआ कि प्रोडक्शन वर्क जो उत्पादन का कार्य था वो अर्लियर एकम्प्लिश्ड बाय हैंड, जो कि शुरुआत के अंदर हाथों के द्वारा तैयार किया जाता था, नाउ स्टार्ट टू बी डन बाय मशीन्स, अब वो कार्य है ना मशीनों के द्वारा होने लगा, दैट रेन ऑन पावर, और जो कि मशीन है ना वो पावर से चला करती थी, पहला ये परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टील का उत्पादन था वो उसकी इंडस्ट्रीज थी, ये इंक्रीजिंग डिमांड इनमें है ना बढ़ती हुई मांग वो शुरू हो गई थी, जब इन्होंने ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया और मशीनों का युग स्टार्ट हो गया तो इनकी है ना जो डिमांड है ना वो बढ़ती चली गई उत्पादन की। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि ड्यू टू द यूज ऑफ पावर रन मशीन्स, और इस प्रकार मशीनों का जो है ना प्रयोग वो एग्रीकल्चर कृषि के अंदर, फार्मिंग खेती के अंदर स्टार्टेड ऑन लार्ज फार्म्स, ये बड़े बड़े फार्मों के अंदर है ना वो शुरू कर दिया गया इंस्टेड ऑफ द स्मॉलर वन, छोटे छोटे फार्मों की बजाय बड़े बड़े फार्मों में इनका है ना उपयोग होने लगा। द बैंकिंग सिस्टम, और जो बैंकिंग प्रणाली थी वो डेवलप्ड विकसित हुई, और है ना कॉन्स्टेंट यूज ऑफ करेंसी, और इस प्रकार है ना करेंसी का है ना लगातार प्रयोग बढ़ता चला गया। इसके अलावा इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, एंड मैकेनाइज्ड शिप्स, और है ना यांत्रिक है ना जहाजों का निर्माण हुआ, देयर वाज ए ड्रास्टिक चेंज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस प्रकार है ना यातायात के सिस्टम में एक बहुत बड़ा है ना परिवर्तन हुआ, मतलब यातायात है ना बहुत तेजी से है ना विकसित हुआ। छठा पॉइंट है द प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना उसको प्रमोट कर दिया गया, मतलब उसका बढ़ावा मिला, और एन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिंग मैकेनिज्म, और एक है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिस्टम है ना वो विकसित किया गया। और सातवां पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ द लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज अडॉप्टेड, और जो मानव का जो परिश्रम था उसका सिद्धांत और उसका मैक्सिमम अधिकतम उत्पादन वो है ना स्वीकार कर लिया गया, मतलब मानव तो है ना कम परिश्रम से है ना कम लाभ कमाता था, लेकिन मशीनों से उसको अधिक लाभ मिलने लगा।